हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चरणजीत सिंह। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं और कोर्स फोर में आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। हम आज ओएसआई रेफरेंस मॉडल से शुरू करेंगे। 60 और 70 के दशक में बहुत सारे नेटवर्क्स केम इन टू बींग और उसके बाद ये जो नेटवर्क्स थे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। क्योंकि ये बात नहीं कर पाते थे, उसके लिए देयर वॉज अ नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1984 में ओएसआई रेफरेंस मॉडल का फॉर्मुलेशन किया। उसी दौरान एक और मॉडल आया जिसका नाम रखा डीओडी मॉडल, दैट वाज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मॉडल ऑफ द यूएस। आज की तारीख में उसको टीसीपीआईपी मॉडल जाना जाता है। ओएसआई रेफरेंस मॉडल में 7 लेयर्स हैं। ये 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं? यह है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फाइनली द फिजिकल लेयर। अब हर लेयर के ऊपर एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है। अब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट यह तय करता है कि जो अगली लेयर को कैसे हम हैंडओवर करेंगे डेटा, वो प्रोटोकॉल डेटा यूनिट तय करता है। जो एप्लीकेशन लेयर है उसमें प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है डेटा, जो जिसको हम एचएमआई भी बोलते हैं। एचएमआई इज ह्यूमन मशीन इंटरफेस, दैट इज द एप्लीकेशन लेयर। इसमें जो डेटा है वो हैंडओवर होता है प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो भी उसका पीडीयू है, वीडियो मतलब प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, वो भी डेटा ही रहता है। प्रेजेंटेशन लेयर अब डेटा को हैंडओवर करता है सेशन लेयर को। सेशन लेयर में पीडीयू डेटा ही रहता है और सेशन लेयर अब ट्रांसपोर्ट लेयर को फॉरवर्ड करता है। इसमें पीडीयू होता है सेगमेंट। ये जो पीडीयूज हैं ये हम कोर्स के दौरान और डीपली पढ़ेंगे। यहां पे हम सिर्फ उसका रेफरेंस ले रहे हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर जो हैंडओवर करता है वो है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में जो पीडीयू है पैकेट बनाता है। अब इसके आगे नेटवर्क लेयर हैंडओवर करता है डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर में जो पीडीयू है वो है फ्रेम। और फाइनली ये जो फ्रेम है फिजिकल लेयर इनको वंस एंड जीरोस, दैट इज बिट्स में कन्वर्ट करके इसको लाइन पे डाल देता है। Now, in the next slide that we see, हम OSI reference model और DoD model, that is TCP/IP model को compare करेंगे। जैसे कि OSI model में 7 layer थी, TCP/IP model में उन्हीं को compress करके 4 layers में convert कर दिया गया। OSI model जो था उसमें 7 layers थी, application, presentation, session, transport, network, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स। इनको कंप्रेस करके TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर कर दिया गया। तो एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को सबको कंबाइन करके एक लेयर बना दी गई जिसका नाम था एप्लीकेशन लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसका नाम दिया गया होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन लेयर। TCP/IP मॉडल में इसको ट्रांसपोर्ट लेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन इस मॉडल में हम इसको होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन लेयर बोलते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन, ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो नेटवर्क लेयर है विच इज द फिफ्थ लेयर, उसको कर दिया गया नेटवर्क लेयर इन द टीसीपीआई मॉडल आल्सो। एंड फाइनली डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके एक लेयर बना दिया गया जिसका नाम था फिजिकल लेयर। अब हम ओएसआई रेफरेंस मॉडल का एक इंडिपेंडेंट लेयर को हम डील करते हैं। तो ओएसआई रेफरेंस मॉडल में जो पहली लेयर है जिसको हम सातवीं लेयर भी बोलते हैं, दैट इज द टॉप मोस्ट लेयर, उसको एप्लीकेशन लेयर बोलते हैं। ये लेयर जो सप्लाई करती है वो नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड यूजर को, इसीलिए हम इसको ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी बोलते हैं, जिसको हमने HMI बोला। एग्जाम्पल्स ऑफ द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स आर HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल,
एंड SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इस तरीके की जो एप्लीकेशन लेयर की और कई सारी प्रोटोकॉल्स हैं जो इस लेयर पे काम करती हैं। अगली जो लेयर आती है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। ये लेयर पूरे OSI रेफरेंस मॉडल का सिंटैक्स प्रोसेस करती है। और प्रेजेंटेशन लेयर जो है, जिस तरीके से आपका वेब पेज आएगा सामने आपके ऑन द स्क्रीन, वो ये मैनेज करती है प्रेजेंटेशन लेयर। दैट इज व्हाई एज द नेम सजेस्ट्स, इसका नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये पूरा डेटा फॉर्मेट एंड डेटा कन्वर्जन्स यहां पे प्रेजेंटेशन लेयर में डील होते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जेपेग, जिफ, जो भी हमारे फोटोग्राफिक या वीडियोग्राफिक प्रेजेंटेशंस हैं वो ये लेयर डील करती है। अगली लेयर है सेशंस लेयर। सेशन लेयर प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग सेशंस। अगर हम एग्जांपल लें कि एक हम स्काइप का सेशन चला रहे हैं और एक मेल का सेशन चला रहे हैं, तो इन दोनों का जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो, वो जो डील करता है वो सेशंस लेयर डील करता है। दैट इज व्हाई वी से इट मैनेजेस ऑल द सेशंस, और सेशन ओपन भी करता है, टियर डाउन भी करता है, और जो भी सेशंस वो है मैनेजेस डेटा बिटवीन द सेशंस आल्सो। एंड द एग्जांपल्स ऑफ द सेशंस लेयर आर एप्पल टॉक, नेटबायोस, पीएपी, RTPC is that real time protocol. The next protocol in the OSI reference model is the transport layer. यहां से data transportation का process शुरू होता है. Transport layer delivers data across networks and provides host to host communication services. तो जैसे हमने पहले देखा था कि transport layer जो है वो host to host communicate करती है for all the data which is led across networks. इसमें examples हैं TCP, that is Transport Control Protocol, UDP, User Datagram Protocol, RSVP, all these protocols are transport layer protocols. In the next layer, we have the network layer. This layer is responsible for packet forwarding, including routing through intermediate routers. तो जब हम एक full scenario लेते हैं network का, तो उसमें बहुत सारे राउटर्स आते हैं, स्विचेस आते हैं, तो जो भी हमारे राउटर्स की जो रूटिंग होती है दैट गोज थ्रू इंटरमीडिएट राउटर्स एंड दैट इज हैंडल्ड बाय द नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर की एग्जांपल्स हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPsec, IGMP, ये गेटवे प्रोटोकॉल्स हो जाती हैं। जो अगली हमारी लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। ये लेयर हमें प्रोवाइड करती है फंक्शनल और प्रोसीजरल मींस टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटीज। तो ये जो नेटवर्क एंटिटीज हैं वो किस तरीके से हमारा डेटा ट्रांसफर होगा उनमें, ये डेटा लिंक लेयर मैनेज करती है। ये लेयर डेटा करेक्शन भी करती है एंड हैंड्स ओवर दैट डेटा टू द फिजिकल लेयर। डेटा लिंक लेयर की एग्जांपल्स हैं ATM, ARP, RARP, दीज आर एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स, फ्रेम रिले प्रोटोकॉल्स, ये डेटा लिंक लेयर की प्रोटोकॉल्स हो जाती हैं। और लास्टली हमारे पास फिजिकल लेयर आ जाती है। यहां पे जो लेयर है वो ट्रांसमिट करती है रॉ बिट्स, वंस एंड जीरोस आर व्हाट आर ट्रांसमिटेड ऑन द फिजिकल लेयर। दीज कनेक्ट द नेटवर्क्स, और इसके एग्जांपल्स हैं DSL, ब्लूटूथ, सोनेट, SDH। ये हमारा पूरा OSI रेफरेंस मॉडल का लेयरिंग है। अब ये जो लेयरिंग है, हर एक लेयर अपना एक हेडर इंड्यूस करती है डेटा के साथ। अब हम देखेंगे कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो जैसे ही डेटा, जो ह्यूमन इंटरफेस है, जो डेटा आता है उसके साथ एप्लीकेशन लेयर अपना एक हेडर अटैच करता है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन हेडर। जब एप्लीकेशन हेडर और डेटा प्रेजेंटेशन लेयर को हैंडओवर होता है, तो एप्लीकेशन हेडर और डेटा हेडर एक डेटा बन जाता है प्रेजेंटेशन लेयर के लिए, और प्रेजेंटेशन लेयर अपना एक हेडर अटैच कर देता है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन हेडर। अब प्रेजेंटेशन हेडर जब प्रेजेंटेशन लेयर जब सेशन लेयर को फॉरवर्ड करता है डेटा, तो सेशन लेयर के लिए प्रेजेंटेशन हेडर
एप्लीकेशन हेडर और डेटा बिकम्स डेटा फॉर द सेशन लेयर। सेशन लेयर अपना एक हेडर सेशन हेडर अटैच कर देता है एंड लाइकवाइज ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक लेयर सब अपना अपना एक हेडर अटैच करके फिजिकल लेयर को दे देते हैं और फिजिकल लेयर जो है उसको कन्वर्ट करता है जीरोस एंड वंस में, दैट इज रॉ डेटा एंड ट्रांसमिट्स ओवर द नेटवर्क। अब हम इस डायग्राम में देखें तो एक डिवाइस ए है विच हैज टू कम्युनिकेट विद डिवाइस बी। अब डिवाइस ए में सातों लेयर्स आर वर्किंग और डिवाइस बी में भी सातों लेयर्स जो ओएसए रेफरेंस मॉडल की हैं वो एक्शन में है। वेयरएज जो इंटरमीडिएट राउटर्स हैं, आप देखेंगे दो राउटर्स हैं इंटरमीडिएट राउटर्स जिसमें सिर्फ तीन लेयर्स काम करती हैं, दैट इज व्हाई राउटर्स आर कॉल्ड लेयर थ्री डिवाइसेस। तो इसमें ओएसए रेफरेंस मॉडल में एप्लीकेशन लेयर से डिवाइस ए के डेटा शुरू होता है, वो इट कम्स डाउन फ्रॉम ऑल द लेयर्स, कम्स टू द फिजिकल लेयर एंड इज हैंडेड ओवर टू द नेक्स्ट राउटर। जो अगला राउटर है उसमें से वो इंटरनेट एड्रेस उसका ढूंढता है विच इज रिजॉल्व्ड एट द नेटवर्क लेयर ऑफ द राउटर्स। तो आप देख सकते हैं स्लाइड में कि वो डेटा नेटवर्क लेयर पे जाता है, वो नेक्स्ट फॉरवर्डिंग एड्रेस देखता है और वो अगले राउटर को चला जाता है। इस तरीके से जितने भी राउटर बीच में आते हैं वो नेटवर्क लेयर तक डेटा को लेके जाते हैं, एड्रेस रिजॉल्व करते हैं और अगले राउटर को फॉरवर्ड करते हैं एंड फाइनली जिस राउटर के साथ डिवाइस बी कनेक्टेड होता है वो राउटर डिवाइस बी को डेटा देता है और फाइनली डेटा जो है डिवाइस बी के पास पहुंच देता है एंड इट गोज फ्रॉम द फिजिकल लेयर अप टू द एप्लीकेशन लेयर फाइंडिंग द रिवर्स पैटर्न एंड गिविंग द डेटा टू द इंडिविजुअल यूजिंग डिवाइस बी। अब इस कम्युनिकेशन के लिए सब हमारे पास ऑल द डिवाइसेस यूज प्रोटोकॉल्स। Now, what is a protocol? A protocol is a set of rules that governs the communications between computers on a network. Protocol also include mechanisms for devices to identify and make connections to each other. जो protocols हैं, वो ऐसा device करती है method जिससे दो devices एक दूसरे से बात कर सके। जो protocol है, वो formatting rules decide करती हैं और ये specify करती हैं कि data किस तरीके से पैकेज्ड होगा जब मैसेज भेजा जाएगा और रिसीव किया जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स। द फर्स्ट प्रोटोकॉल दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स। ये जो प्रोटोकॉल है ये सपोर्ट करती है ओएसए नेटवर्क मॉडल एंड प्रोवाइड्स नेटवर्क एड्रेसिंग एंड राउटिंग। ये नॉवल नेटवर्क की प्रोटोकॉल है। तो जब नोवल नेटवेयर ने पांचवें अपना वर्जन निकाला इन 1998, तो इट स्विच्ड ओवर फ्रॉम एनसीपी प्रोटोकॉल इंटरफेस टू द टीसीपीआईपी इंटरफेस, बिकॉज़ टीसीपीआईपी इंटरफेस जो था वो स्टैंडर्डाइज हो चुका था मार्केट में, इसलिए नोवल नेटवेयर प्रोटोकॉल हैड टू गिव वे फॉर द टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल। नेक्स्ट द सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज, दिस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, that is the fourth layer providing connection oriented communication on the top of IPX. IPX is internetwork packet exchange. So ye piggybacking hoti hai, jo SPX hai wo IPX ke upar piggyback karke communicate karti hai. The next protocol is DECnet. Digital Equipment Corporation ne apna ek network protocol nikala jisko unhone naam diya DECnet. Ye jo suite hai wo network, it was made in 1975 to connect PDP 11 mini computers. PDP 11 mini computers जो थे वो DCE net ने ही निकाले थे, तो ये जो mini computers थे उनको connect करने के लिए Digital Equipment Corporation ने अपना एक protocol निकाला था। ये peer to peer protocol है और ये peer to peer architecture पे काम करता है। Initially it was built with three layers only in 1982 and it evolved into this OSI layer लेटर ऑन इन 1984 जब ओएसआई मॉडल जो था इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जब उसको मान्यता दी तो सब जो नेटवर्क्स थे वो ओएसआई कंप्लायंट होने थे।
अगला जो प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम बात करेंगे है, वो है एप्पल टॉक। ये प्रोप्राइटरी सूट है ऑफ एप्पल एंड इट इज फॉर द मैकिंटोश कंप्यूटर्स। एप्पल टॉक इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ फीचर्स दैट अलाउ लोकल एरिया नेटवर्क्स टू बी कनेक्टेड विद नो प्रायर सेटअप एंड नीड फॉर सेंट्रलाइज्ड राउटर। तो ये भी एक पीयर टू पीयर प्रोटोकॉल थी, इसके लिए कोई सेंट्रलाइज्ड राउटर नहीं चाहिए था, कोई सर्वर नहीं चाहिए था, ये पीयर टू पीयर पे काम करती है। विद द राइज ऑफ TCP/IP मॉडल अगेन एप्पल टॉक को भी रास्ता देना पड़ा TCP/IP के लिए, बिकॉज वो स्टैंडर्डाइज हो चुकी थी। तो अगर एप्पल के कंप्यूटर्स ने बाकी कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना था तो ये प्रोटोकॉल को मानना जरूरी था जो TCP/IP मॉडल था। अगला प्रोटोकॉल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NetBIOS। NetBIOS टिपिकली एक प्रोटोकॉल नहीं है, ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। तो जो भी प्रोटोकॉल इस API को रन करता है दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो अगर हम ये एग्जाम्पल लेके चले कि एप्पल अगर NetBIOS रन कर रहा है और एक लिनक्स मशीन NetBIOS रन कर रहा है, they'll be able to communicate to each other even if the basic Apple being a proprietary protocol and Linux being an open system protocol, but still because they are running NetBIOS protocol or application programming interface, they'll be able to communicate with each other. ये एक session management and data transport protocol NetBIOS जो है, ये function करता है at the session and transport layers and provides command and support for the following services. The services that NetBIOS gives are network name registration and verification, session establishment and termination, that is session ko banata hai aur usko tear down karta hai, reliable connection oriented session for data transfer, unreliable connectionless datagram data protocol, ye UDP pe kaam karta hai, user datagram protocol, because that is a connectionless datagram protocol, protocol and adapter monitoring and management. और NetBIOS जब हम TCP/IP के ऊपर रन करते हैं, इसको NetBTP बोलते हैं, इट सेंड्स द NetBIOS प्रोटोकॉल ओवर द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉर TCP एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल फॉर द UDP। अगले टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज NetBIOS एक्सटेंडेड यूजर इंटरफेस एंड इज कॉल्ड NetBUI। ये एक एनहांस्ड वर्जन है NetBIOS की और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नेटवर्किंग यूज करती है। इट इज अ नॉन राउटेबल प्रोटोकॉल, विच मीन्स that computers that are not located on the same network can't communicate. So, is protocol ko run karne ke liye, computers have to be on the same network. NetBUI, jo original design thi, wo IBM ne ki thi for their LAN management. So, jaise ye hai ki jo LAN pe computers hote hain, wo ek hi network pe hote hain, to isliye NetBUI aram se kaam karti thi. But uske baad, ye Microsoft को और Novell को extend हुई। The last of the protocols which we are going to learn is the server message block. Server message block protocol, ये network file sharing protocol है that allows applications on the computer to read and write to files and request services from server programs in the computer. ये server client protocol है, तो ये और ये server में run करती है, जहां से client कुछ request देते हैं तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए ये सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल रन करता है। सर्वर मैसेज ब्लॉक ऑपरेट्स एज एन एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो ये सातवें लेयर पे काम करता है एंड मेनली यूज फॉर प्रोवाइडिंग शेयर्ड एक्सेस टू फाइल्स, प्रिंटर्स एंड सीरियल पोर्ट्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेटेड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। तो हमने देखा कि OSI मॉडल के अंदर सात लेयर्स हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर्स। ये जो मॉडल है सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम OSI रेफरेंस मॉडल है। वेयर एज द वर्केबल मॉडल इज द TCP/IP मॉडल व्हिच वाज डेवलप्ड फॉर द DoD बट नाउ इज बीइंग ग्लोबली यूज्ड। इट हैज फोर लेयर्स व्हिच आर एप्लीकेशन, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर एंड फिजिकल लेयर। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, वी एंड आवर लेक्चर हियर।